हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बेसिक चीज़ है जो चावल कैसे बनाते हैं। ऑफ कोर्स ये बिगिनर्स के लिए ही होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका चावल हमेशा अच्छा पकेगा भी और उसका पानी का मेजरमेंट भी सही निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल चावल लिया है। अगर आप बासमती राइस लेते हैं तो अगर आपने एक कप बासमती लिया है तो आपको दो कप पानी डालना है, और बाकी राइस के लिए मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। चलिए, आपको कुकर में चावल डालना है। अच्छे से मैंने चावल को वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। अभी आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने चावल डाल दिया है, अभी हम लोग पानी डालेंगे। तो पानी आपको कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ। आप अपना उंगली डाल के आपका उंगली का इतना बस पानी में डिप होना चाहिए चावल के ऊपर के लेवल से। इतना पानी ज़्यादा होने से आपका चावल हमेशा अच्छे से पकेगा। और इसको आपको 3 सीटी तक पकाना है और फिर स्टीम जो है वो अपने आप रिलीज होने देना है, तो आपका चावल अच्छे से पक जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अभी चावल पक के रेडी है। तो देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ चावल पके कि नहीं। आपको देखने के लिए इसे उंगली में लेके आपको प्रेस करके देखना है। अगर अच्छे से मैश हो जाता है तो आपके चावल पक के रेडी है। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि अगर नॉर्मल राइस रहते हैं तो फिर आप यही एक उंगली में आप जैसे मैंने बताया वैसे वाले मेजरमेंट देख के आप पानी डालिए। और अगर बासमती लेते हैं तो अगर आपने एक कप चावल लिया है तो 2 कप पानी डाल के 3 सीटी लगाना है, और उसके बाद स्टीम खुद ब खुद रिलीज़ होना चाहिए। आप उसको ज़बरदस्ती मत निकालिए, नहीं तो आपका राइस कच्चा रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।